नमस्कार। अक्सर हाँ हम लोग समय के अभाव के कारण या अनजाने में ऐसी गलतियां करते जाते हैं जो कि भविष्य में क्रॉनिक और प्राणघातक बीमारियों का कारण होता है। उन्हीं गलतियों में से एक गलती है गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके पीना। अक्सर हाँ हम गर्म पानी कर लेते हैं, अगर वो टॉलरेबल नहीं है तो उसमें हम ठंडा पानी मिक्स करते हैं और पी लेते हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि ठंडा पानी का नेचर और गर्म पानी का नेचर अलग होता है। उसका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उसका जो डाइजेस्टिव टाइम है वो अलग होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव कम होने लगता है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसका पृष्ठ तनाव कम होगा, मतलब कि मॉलिक्यूल का जो एडहेसिव गुण है, आपस में जुड़े हुए का गुण है, वो अलग होने लगता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी गर्म करते हैं तो वहाँ पे 72 डाइंस पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन होता है। तो ऐसे ही जब पानी को आप गर्म करेंगे उसका सरफेस टेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। जो पानी गर्म होता है वो लैक्सेटिव नेचर का होता है, वो वास्को डायलेटर नेचर का होता है। आप देखे होंगे कि बचपन में अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो हमारी दादी माँ लोग कपड़ा धोने के लिए कपड़े को पानी में और सोडा में डाल करके धूप में रखा करती थी, ताकि पानी जैसे वो गर्म होगा उसके सरफेस होगा तो कपड़ा अच्छा साफ होता है। मतलब गर्म पानी एक अच्छा क्लींजर एजेंट का काम करता है, लेकिन ठंडा पानी का नेचर अलग होता है। तो यह उसी प्रकार काम करता है जैसे पका हुआ अन्न और कच्चा अन्न को हम अगर मिक्स करके खाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में पौरुष मतलब वेस्टेज अधिक बनेगा और भविष्य में हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल्योर और लीवर की भी समस्या आ सकती है। दोस्तों हम इस वीडियो में यह बताना चाहते हैं आपको कि पानी का जो नेचर है गर्म करने के बाद, आयुर्वेद शास्त्रों में बोला गया है जैसे 4 गिलास पानी को अगर हम उबाल करके 1 गिलास बनाते हैं तो उसका नेचर अलग हो जाता है। 4 गिलास पानी को उबाल करके अगर 2 गिलास बनाते हैं उसका नेचर अलग हो जाता है, और 4 गिलास पानी को अगर उबाल करके हम 3 गिलास बनाते हैं तो उसका नेचर अलग हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्रों में यह वात पित्त कफ को शमन करने के लिए अलग अलग मात्राएं बताई गई है। नेचुरोपैथी में तो यहाँ तक बोला गया है कि गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करके स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पीते हैं तो आप सावधान हो जाइए, गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करके नहीं पीना चाहिए। किस किस कंडीशन में आपको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए और किस किस कंडीशन में गर्म पानी पीना चाहिए, आप कहीं आर्टिकल्स में पढ़ लेते हैं या फिर नेट पे कोई जानकारी लेके दिन भर गर्म पानी पीते रहते हैं। दिन भर गर्म पानी पीना भी हार्मफुल होता है। सुबह सुबह आप गर्म पानी जरूर लें, लुकवार्म वाटर होना चाहिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर इतना गर्म होना चाहिए। वैसा पानी अगर सुबह में लेते हैं तो यह आपको सबसे पहला तो क्रमाकुंचन क्रिया को बढ़ा देता है इंटेस्टाइन में, जिससे आपका मल का जो डिस्चार्ज प्रॉपरली होता है। दूसरी, पूरे रात में जो मेटाबॉलिज्म के कारण बॉडी में जो टॉक्सिन बनता है वो टॉक्सिन भी जो है फ्लैश आउट हो जाता है हमारे शरीर से। तो सुबह सुबह में गर्म पानी लेना अच्छी चीज़ है। दूसरी नंबर बात, कभी भी जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में गर्म पानी लेना अच्छा है, या फिर ऑयली चीज़ अगर कभी भी आप लेते हैं तो पूरी आपकी कोशिश होनी चाहिए या तो पानी पिए ही नहीं, या पीना है तो गर्म पानी पीना है या फिर सूप वगैरह लेना है। गलतियाँ हम लोग करते हैं वो भविष्य में हार्ट की प्रॉब्लम का कारण होता है। आज तो प्रचलन है खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं, आइस वाटर पीते हैं, यही सब बीमारी का कारण होता है जो भविष्य में आपको हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी फेल्योर और लीवर की जो समस्या आ रही है आज दिन पर दिन ज़्यादा। ये एक दिन में नहीं होता है, हमारी बॉडी का नेचर है, बॉडी का एक एक सेल जीना चाहता है, लेकिन हम लोग अपने कृत से अपने कर्म से उसको मार रहे हैं। आप जब खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं तो वसा के अणु है
वो सॉलिड होने लगता है और सॉलिड होकर वो इंटेस्टाइन ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसके कारण आपके ब्लड वेसल में घूमेगा, ब्लड वेसल में जमा होगा और जमा होने के कारण फिर भविष्य में आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अगर वही लीवर में चला गया तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी, अगर किडनी में डिपोजिटेशन हो गया तो किडनी की प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी ऑयली चीज़ खाकर कोल्ड मत लीजिए, या तो पानी पीजिए ही नहीं आधे घंटे से 45 मिनट, या फिर अगर लेना है तो गर्म पानी गर्म सूप अगर लेते हैं वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। कुछ कंडीशन होता है उसमें आपको गर्म पानी नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम है तो भूल के भी गर्म पानी मत पीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि गर्म पानी लैक्सेटिव नेचर का होता है, क्रमाकुंचन क्रिया को बढ़ा देता है, तो अगर गर्म पानी लेते हैं तो मोशन और अधिक होने लगेगा। कहीं भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, उस समय गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। वैसे स्थिति में ब्लीडिंग और बढ़ जाता है, हेवी ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। अगर आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है अर्थात आपको फीवर है तो गर्म पानी न ले, गर्म किया हुआ ठंडा पानी लेना है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है, गर्म करते हैं और जो पानी ठंडा हो जाता है उसको 8 से 10 घंटे के बीच में ही लेना है। अगर लंबा समय हो जाता है तो वह पानी का नेचर चेंज हो जाता है, वो डाइजेशन होने में लंबा समय लेता है, इसलिए एक बार अगर पानी गर्म करते हैं तो 8 से 10 घंटे के बीच में ही उसको इंटेक कर लीजिए, पी जाइए, फिर उसके बाद फिर गर्म पानी कीजिए। वो ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो आप गर्म पानी प्लीज़ मत पीजिए, वैसे में आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो पानी के संबंध में ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है हम सबों को जानना, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कोई आर्टिकल्स पढ़ के नेट पे देख के गर्म पानी का बोतल लेकर दिन भर पीते रहते हैं, वो आपके लिए हानि भी कर सकता है। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है उनको भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए गर्म पानी वरदान है। जो लोग कफ प्रकृति के हैं, जिनको बार बार रनिंग नोज की प्रॉब्लम है, तो उनको गर्म पानी पीना फायदामंद है। जो अस्थमैटिक है उनके लिए लाभप्रद है, क्योंकि गर्म पानी जब हम पीते हैं तो वास्को डायलेटर करता है, वैसे उनको इजली ब्रीद लेने में आराम होता है। गर्म पानी और ठंडा पानी के संबंध में अगर इस संबंध में कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई दूंगा। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।